तुमको 5 लाख रुपए मुझको पहले हार्ड कैश देना होगा, ये बात। उसके बाद तुम उसको लिवा जा सकती हो। अब और तुम्हारे साथ कैसे जाएगी उसका तरीका तुमको हम बताऊंगा। बाबूजी पहले सबसे पहले नंबर में पैसा देने के तैयार, सबसे पहले नंबर आप मुझे माल दिखाएगी। आजकल तुम साले नौकरी छोड़ के व्यापारी शुरू कर दे। संजय पटेल भैया, अजय पटेल भैया कहा था 5 लाख दे ही नंदा बाय झमकी 10 लाख ले है, किन बयाना हम दे रहा भाई दे रहा है। संजय पटेल अगर अजय अजय अगर इससे बात नहीं बनती है तो उन्हें दे देना भाई। कोई भाई ज्यादा पैसा जहाँ मिले वो दे। और क्या हम सी पैसा का मतलब है और मारे छोड़ी ऐसा है। देखो नंदा शुभ काम जिला में नहीं करते इसका मतलब रुपया लेके आए है। लेकिन एक बार गौर करना नंदा, बोला क्या बात है? वो क्या है, नई नई लड़की है आपके पास जाने में थोड़ा दिक्कत करेगी, नाटक दिखाएगी। चिंता मत करो बाबूजी, मैं जैसा कहूँगा अगर वैसा तुम करोगी तो बड़ी आसानी तुम्हारे पास जाएगी। चिंता मत करो, मेरे पास आइडिया। हाँ हाँ कसम भोलेनाथ, क्या मैं ये आइडिया का चीज है? आइडिया नहीं हच है, अब इस चीज को बताओ। नहीं समझ पाते कैसे नौकर रखते हो। देखो नंदा, तुमको मैं अपना रिश्तेदार बताऊंगा दूर का, तुम सहमति जताना बस, बाकी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। अरे अल्लाह सब बर्बाद और तुरंत ले ले क्या कर लो। ऐसा है सपना भैया, शायद तुमको मालूम नहीं होगा। नहीं भैया, ये देखो तुम्हारे बगल में कौन खड़ी है, जरा गौर करो, पहचान नहीं पहचानती होगी। अरे सपना तू बहुत छोटी थी, एक हमारी बंबई वाली मौसी माँ जी है, केवल मुझको जानती है, मैं इनको जानता हूँ, तू बहुत छोटी थी इसलिए नहीं। अरे बाबू साहब बताई बड़ी रहा है भाई, मां ही कहीं जब तक भी पर्यत रही है तब बात है यार, जानते ही इतने जमाने की बात आज बताना जरूरी था बाबू जी। ये सपना है ना? अरे हाँ यही सपना है। कितनी बड़ी हो गई? अरे अरे मौसी माई, मौसी माई जी है, मैं दिखती ना जी ना, ये नहीं पहचान। और बड़ी हो गई? हाँ छुओ हाँ छुओ हाँ छुओ। देखो इनके पास भी एक लड़की है। अच्छा। और ये अपने लड़की की शादी कर रहे हैं बॉम्बे में। अच्छा। और वहाँ लड़की की शादी है, कोई और लड़की है नहीं उसका साथ देने के लिए, उस लड़की का उसको सजाने संवारने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे आई है, तुमको साथ लिया जाना चाहती है। तुम इनके साथ जाओ, बाद में हम और जी है जब हम लोग चले आएंगे। अरे तुमको अपने भाई पे विश्वास नहीं है क्या? तो पढ़ाई में ध्यान से जाओ। अरे और क्या, अरे हम लोग पहली बार बदल के आ जाए, पहले पहले ऐसा है, तुम लिया जाओ, लिया जाओ सारा कार संपल में बना सारा काम। ये बताओ क्या नहीं आज में चलो चलो। अरे जा रही हो? कोई बात, जा रही हो क्या? मैंने कहा जा रही हो क्या? हाँ ठीक है जाओ जाओ। जा रही हो क्या? अपना ख्याल रखना। आप जाओ जाओ, मैं ख्याल रखूं। जाओ सपना जाओ, ख्याल रखिए, जाओ हम आओगे जब मौका मिला।
तुम साला चार बार मेरी सारा स्वागत को मिट्टी में मिला जी नाक अंजाम क्या हुआ हराम जाती को मैंने कोठे को देख दिया कसम मेरे नाक की आज सफरवा छिन छिन के रोज मारा करेगी अपने भाई बयान करेगी ये रहा ठाकुर अर्जुन सिंह कबन नसीबात और ये रहा ठाकुर का ऐलान वक्त का इंतजार कीजिए बाद में बहुत सारी यथा हुआ अगला सीन इस ब्रेक के लेकिन मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया हूँ अभी तक कविता बहन मुझसे नहीं मिली अगर सावन भाई मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा चल रहा हूँ और आगे देखता हूँ हो सकता है मुलाकात हो ही जाए कसम खुले आसमान की कसम उस खानदान की हमरे अंगराज की बंदुकिया के मुंह से कोई फूल की बरसात नहीं होती इसके मुंह से निकलते हैं अंगार और अंगार जिसके ऊपर पड़ेंगे पानी मारना दुर्लभ हो जाएगा डॉक्टर क्या सिविल सर्जन की भी आंखें खराब हो जाएगी माई की कसम लाश पे लाश बिछा हमारी आँख में धूल छोड़ने की कोशिश मत करो तुम पुलिस के मुखबिर हो अरे है दरोगा बाबू अरे है दरोगा बाबू हम कहते हैं कि हमारा पीछा छोड़ दो हमरे AK-47 की गोलियां तोहरे सिनेमा में लग जाई ना तो माई की कसम तोहर मेहरिया रान हो जाएगी लेकर रोड पर भीख मांगेंगे जानते हो आज मैं तुम्हें इस दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसके मुखबिर हो नहीं सुधारे आपको गलत कहीं हो रहे हमरा से बता दो कितने इनाम रखे हैं हमसे भारत सरकार 2000 जी आप गलत फहमी हो रहे मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ सरदार जी मैं गोविंदपुर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम अजीत प्रधान है मैं कोई थाने का दलाल पुलिस का रुपये नहीं हूँ सरदार जी सरकार के भेद पे हमको मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा चलते हो संतों के मुख से निकली हुई बोली और हमारी राजसभा के मुख से निकली हुई बोली कभी वापस नहीं होती है तेरा भाई मुसलमान कैसे भैया
ठीक है बहन, मौके पर तुम यदि नहीं पहुंचती तो अभी तो मैं इसे गोली मार देता। चलो ठीक है भैया, कोई बात नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, क्योंकि मुझे अपना भाई क्या, मैं तुम्हें नहीं पहचान रहा हूँ। अपना नाम बताओ, तुम कहाँ की रहने वाली हो, क्योंकि तूने मुझे अपना भाई बनाया। क्या कह रहे हो, कैसे मैं बताऊं कि मैं कौन हूं? आपके पास क्या है? अगर तुमने मुझे अपना भाई कहा है, अच्छे भाई की तो सवे तुम्हें साफ साफ बताना होगा कि तुम तुझे भाई कहने से पहले किलो भर पानी में डूब के मर जाएगा। आखिर तेल ऊपर कैसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी थी, क्योंकि तूने डाकू का रूप बनाया। अगर कोई मुसीबत आ ही गई थी तो सबसे पहले तुझे कानून का सहारा लेना चाहिए था। आराम चाहिए आप किस कानून की बात कर रहे हैं? अरे उस कानून का तो ठाकुर अजय सिंह अपने पैसे के बल पर खरीद लिया था। मेरे ऊपर कैसी कैसी मुसीबतें आई, सारी मुसीबतों का सामना करते हुए जब मैं के पहुंची, मेरी बिपल सुन के मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। मैं भी अपना प्राण त्याग के ही जा रही थी। वहां पर भैया और माँ ना करके मुझे बता दिए, मुझे अपने साथ में रखिए। हे
ये कीड़े बताओ चेहरा तेरे ये कीड़े तेरी मेरा सपना में जान बचाए तेरी अरे मेरे यार तूने बड़े अच्छे मन को बंगला पिला दिया जो सपने ने तेरी जान बचाई थे आज उस सपने की जान खतरे में है मेरी बात सुनो बहन क्या कर रही है जोली के ऊपर हमला करना है बहन कब जा इस वक्त चलो रास्ते में ही सपना की टोली गोली के दम पर लूटी जाएगी मारे ठाकुर अर्जुन सिंह मैं सारे तेरे घर के ही सीट ना बजाए तो मेरा नाम ठाकुर अर्जुन सिंह नहीं तू कुछ नहीं लग रहा है